जीवन में दो ही सच्चे दोस्त मिलेंगे दोस्तों, एक आईना और दूसरा परछाई। आईना झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम कर्क राशि के लिए, कैंसर साइन के लिए बहुत विशेष, बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति मार्गी से वक्री होने वाले हैं 9 अक्टूबर को, और 4 फरवरी तक देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में, यानी कि वक्र अवस्था में रहेंगे। ठीक है, तो आज हम ये जानेंगे कि ये देवगुरु का वक्री होना आपके जीवन में, कर्क राशि के जीवन में, कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लाइफ में क्या परिवर्तन लेकर आएगा, और बहुत डिटेल में समझाऊंगा आपको। लेकिन बस आपको डिटेल में समझना होगा सब कुछ, तभी तो समझ में आएगा आपको। फोकस यहाँ पे होना चाहिए, मजा आएगा आपको। ठीक है, पता चलेगा कि वक्री का मतलब क्या होता है। चलो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, वक्री का मतलब होता है दोस्तों, जैसे सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, ठीक है, तो वक्र का मतलब होता है कि अपनी सही गति के अनुसार गोचर ना कर पाना, तो उसको वक्र कहा जाता है। और मार्गी होता है सही गति के अनुसार गोचर करना। हम धरती पे हैं, पृथ्वी से लगता है कि वो ग्रह उल्टा है, टेढ़ा हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बस अपनी सही गति के अनुसार गोचर नहीं कर पाता सूर्य से एक अधिकतम डिग्री वाइज डिस्टेंस की वजह से। ठीक है ना, सूर्य चंद्रमा ग्रह कभी वक्री नहीं होते, और राहु केतु हमेशा वक्री होते हैं। ठीक है, बाकी ग्रह मार्गी वक्री होते रहते हैं। अब वक्री का मतलब क्या होता है पता है आपको? जब कोई ग्रह अपनी सही गति के अनुसार गोचर कर रहा है और वो वक्र हो गया, यानी कि वो पेंडिंग कर्मास को, पेंडिंग चीजों को पूरा करने के लिए वक्री हुआ है। अब पेंडिंग चीज चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो फिर वो पॉजिटिव हो, डिपेंड करता है कि आपकी राशि से वो प्लेनेट कहां का स्वामी है, उन चीजों को पूरा करने के लिए वक्र हुआ है। ठीक है, जैसे समझाता हूं आपको कि कर्क राशि है, और कर्क राशि में गुरु जो है वो आपके छठे घर के और 12वें घर के स्वामी होकर आपके 11th हाउस में बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है, ठीक है, मून साइन पे। और अगर आपने जन्म कुंडली पे आप विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब आपको सुनना होगा ध्यान से, समझ में आएगा आपको। 9 अक्टूबर से 4 फरवरी 2025 गुरु यहां के और यहां के स्वामी होंगे, यहां बैठे हैं आपके 11th हाउस में, वक्री हो जाएंगे 9 तारीख को। अब जब यहां पर वक्री होंगे ना, तो यहां का भी आपको फल देने लग जाएंगे, क्योंकि यहां वक्री होंगे तो एक भाव जो पहला घर होता है वो भी एक्टिव हो जाता है, राइट। और इसके साथ में यहां का भी और यहां का भी आपको फल देंगे, इन चीजों को पूरा करने में सक्षम होंगे। ठीक है ना, अब समझिएगा, छठा घर होता है ऋण रोग शत्रु का। ठीक है, अब ऋण रोग शत्रु समझिए, अगर कोई व्यक्ति कर्क राशि वाला व्यक्ति सोच रहा था कि मैं लोन लेना चाहता हूं, मैं कोई होम लोन लेना चाहता हूं, या फिर मैं कोई गाड़ी को लेकर लोन लेना चाहता हूं, पर्सनली कोई लोन लेना चाहता हूं, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पा रहा था। कुछ लोग पूछते भी है ना कि मुझे लोन चाहिए लेकिन मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा हूं, कुछ इस चीज को लेकर परेशान है कि मैं लोन लेना चाहता हूं, कुछ इस चीज को लेकर परेशान है कि मेरे पे लोन है, कैसे उसको उतारूं अपने कर्जे को, दोनों चीज समझिएगा। तो यहां पर लोन मिलने की संभावना अब है आपको, ये गुरु के वक्र हो जाने पे लोन मिल जाएगा आपको, जो नहीं मिल पा रहा था, तो अभी ये संभावना है कि वो चीजें आपके लिए हो जाएं, अप्लाई हो जाए। ठीक है, और दूसरी चीज, जिनके ऊपर पहले से ही लोन चल रहा है ना, वो थोड़े से परेशान हो सकते हैं। मैंने पहले कहा था कि ये परिवर्तन लेकर आता है, चेष्टा बल मिलता है गुरु को वक्र हो जाने पर, तो जहां जहां के स्वामी है उस चीज को एक्टिव करता है, परिवर्तन लाता है। ठीक है, तो जिनके यहाँ लोन चल रहा है तो या तो वो उस चीज को सोचेंगे कि मैं कुछ एडवांस पेमेंट करूं, मैं कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करूं, लेकिन लोन के बारे में कुछ ना कुछ चिंता करना है, लोन के बारे में सोचना है, ऐसा मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है। अब यहां पे शत्रु भी एक्टिव होंगे आपके, शत्रु अगर आपके चुप थे, शांत थे, यानी कि वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो ये ध्यान रखना कि शत्रु से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बच के रहना है। ठीक है, यानी कि आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना, ठीक है, आपको जो है किसी बेकार की चीजों में नहीं पड़ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव सब आपको बता रहा हूं एज प्रैक्टिकल, तो उन चीजों पर आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना। अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है, कोई अगर आपको आर्ग्यूमेंट में पड़ना चाह रहा है, तो आप बिल्कुल भी ना पड़े, आप बिल्कुल शांत रहें, अलग रहें बिल्कुल, वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, हाँ, यहां पर एक चीज मैं और कहूंगा, अगर जिसको स्टमक से रिलेटेड, पेट से संबंधित कोई भी चिंता समस्या थी, तो यहां पर वो काफी हद तक ठीक होने की संभावना है। अब गुरु आपको 9th हाउस का भी रिजल्ट देंगे, यहां के कारक तत्वों को पूरा करेंगे वक्र हो जाने पे। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि आप अपने घर परिवार में कोई हवन, कोई यज्ञ, कोई पूजा, कोई
धार्मिक काम, ऐसा काम करवा सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। गोचर से तो पूरा दिखाई दे रहा है 9 अक्टूबर से 4 फरवरी के बीच में। चाहे कुछ भी करें आप, कोई पूजा पाठ का कार्यक्रम आप अपने घर में शुभ कार्य करवा सकते हैं, चाहे वो कोई भी कार्य है, छोटे से छोटा बड़ा से बड़ा, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे ये वक्र हो जाने पे। दूसरी चीज, एक चीज और है कि ये भाग्य का हाउस होता है ये वाला, ठीक है, और भाग्य के साथ में पिता का भी होता है ये वाला हाउस। अगर आपके पिता, आपके फादर किसी चीज को करने में एक्शन कर रहे थे, उस चीज में मतलब वो 2 कदम आगे बढ़ रहे थे आपके पिता, और फिर 2 कदम पीछे हो जा रहे थे, फिर 2 कदम आगे बढ़ रहे थे, फिर 4 कदम पीछे हो जा रहे थे, अभी ये गुरु के वक्र हो जाने पे निश्चित सफलता आपके पिता को मिलने वाली है। अगर वो किसी चीज में आगे बढ़ने की सोच रहे ना, तो फिर वो आगे ही बढ़ेंगे, वो पीछे नहीं आएंगे। ये वक्र हो जाने पर ही मैंने आपको कहा परिवर्तन लेकर आते हैं गुरु पूरा करने के लिए। कुछ काम गुरु का रह गया था अपने हाउस से रिलेटेड, तो उनको पूरा करने के लिए आते हैं, क्योंकि गुरु एक शुभ ग्रह है और फिर बैठे भी आपके अच्छे हैं, 11th हाउस में बैठे हैं और अपने मित्र के नक्षत्र में ही वक्री होंगे, ठीक है। कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा, ये सूर्य चंद्र मंगल का नक्षत्र माना जाता है, ठीक है। अब यह भाग्य का भी है आपका, अगर आप किसी स्पोर्ट्स में, किसी कंपटीशन में, किसी गवर्नमेंट में, या फिर हायर एजुकेशन में, 9th हाउस हायर एजुकेशन का होता है, उच्च शिक्षा का भी माना जाता है, यानी कि उच्च शिक्षा में भी आपको प्राप्ति होगी, फायदा होगा हमें। उच्च शिक्षा में आपका एडमिशन हो सकता है, अगर आपका कोई रिजल्ट है तो वहां पर आपको कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, राइट। और जैसे मैंने कहा भाग्य का भी है, तो भाग्य में परिवर्तन लेकर आना। भाग्य में परिवर्तन लाने का तात्पर्य है कि अगर आप कोई शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, मैंने पहले भी कहा कि वो दिखाई दे रहे हैं, इसके साथ में कोई इन्वेस्टमेंट आप फेलियर हो रहे थे, चाहे वो प्रॉपर्टी में हो, चाहे किसी चीज में हो, या शेयर मार्केट में हो, ट्रेडिंग में हो, तो यहां पर आपको हो सकता है कि आपको इन्वेस्टमेंट करें और उसका कुछ लाभ आप उठा सके, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। अब मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, गुरु है संतान के कारक, गुरु है धन के कारक, गुरु है भाग्य के कारक। सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बृहस्पति के पास ही है, शास्त्रों में सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बृहस्पति के पास ही है, और एक साल तक एक राशि में रहते हैं बृहस्पति। संतान के कारक बृहस्पति हैं, पति के कारक बृहस्पति को माना जाता है, ठीक है। अब ये संतान के कारक बृहस्पति संतान वाले स्थान को देख रहे हैं यहां पे, पंचम भाव को, और वो भी वक्र दृष्टि से देखेंगे 9 अक्टूबर से, ठीक है। जब वक्र दृष्टि से देखेंगे तो जो संतान को लेकर परेशान थे या फैमिली प्लानिंग कर रहे थे, तो उनके लिए भी ये एक अच्छा समय है वक्र हो जाने का। बस नेगेटिव मुझे ये दिख रहा है कि ऋण, रोग और शत्रु, इन पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, बस ऋण, रोग, शत्रु, थोड़ा आप ये ऋण विण से मैं जितना हो सकता हूं कि बचे आप, ठीक है, अच्छा रहेगा। कोर्ट कचहरी बिल्कुल दूर रहे, इल्लीगल चीजों से बिल्कुल दूर रहे, गैर परंपरावादी कार्यों से बिल्कुल दूर रहे। रहा सवाल आपके भाग्य का, आपके करियर का, आपके धन का, क्योंकि लाभ स्थान होता है, और लाभ स्थान में वक्री होना यानी कि लाभ मिलना, मेहनत करना लेकिन लाभ मिलना, क्योंकि वक्री वहीं हुए हैं 11वें स्थान में। चेष्टा बल मिलेगा तो ज्यादा अच्छा पैसा आएगा आपके पास में। संतान को लेकर भी अच्छा दिखाई दे रहा है ये, और उच्च शिक्षा को लेकर भी मैंने बताया आपको, लेकिन बस सिर्फ ऋण, रोग, शत्रु, इन पे ही आपको ध्यान देना होगा, ठीक है ना। बाकी तो मुझे यहां पर ठीक दिखाई दे रहा है, और गुरु की दृष्टि जो है आपके वो सप्तम भाव पर भी है, और आपके तीसरे घर पर भी है। यहां पर ट्रैवल हो सकते हैं, काफी टाइम से ट्रैवलिंग की सोच रहे थे, अपने कार्य को लेके, दोस्तों को लेके, किसी चीज को भी लेके, लेकिन ट्रैवलिंग होगी यहां पर आपकी, सडन ट्रैवल होगी आपका 9 अक्टूबर से लेके 4 फरवरी के बीच में, सडन ट्रैवल होगा, पता भी नहीं चलेगा आपको, और सडन आपको ऐसी ऐसी जगह पे जाना पड़ेगा जहां पर आपने मतलब पहले उसका प्लानिंग भी नहीं करी होगी, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है, ठीक है। और सप्तम भाव पे दृष्टि डालने का मतलब है कि अपने लाइफ पार्टनर के साथ में कुछ प्लानिंग करना, लाइफ पार्टनर के साथ में कुछ डील करना, कुछ आइडियाज जो है वो लेकर आना, ठीक है ना। ये है गुरु वक्र का फलाफल आपकी राशि के आधार पे, ठीक है। क्या उपाय करने चाहिए आपको? सबसे पहले तो आपको चंद्रमा का बीज मंत्र करना चाहिए, आपकी कर्क राशि है। ओम श्राम श्रीम श्रोम सा चंद्रमसे नमः, डेली करें 108 बार, सूर्य को जल चढ़ाएं, बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें और महादेव को प्रसन्न करें। कैसे लगे आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ। धन्यवाद।